जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं एवी वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के साथ आज आप मला लेके आया हूँ संगवारी हो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआ बांधा, जहाँ करेगी छात्र संगठन के गठन। जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं आकाश कुमार वर्मा वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के साथ आज आपको लेके आया हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआ बांधा, जहाँ पे आज छात्र संगठन का हुआ चुनाव और लिया गया शपथ। मैम, आज मैं प्रिंसिपल मैडम से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और उनसे जानकारी लूंगा कि ये छात्र संगठन का गठन क्यों किया जाता है विद्यालय में। मैम, आपको ये छात्र संगठन का चुनाव क्यों किया जाता है विद्यालयों में? हाँ, एक तो विद्यालय को अच्छे सुगठित सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए छात्र संघ का गठन किया जाता है, ताकि पूरा विद्यालय जो है अनुशासित रहे इन सभी छात्र संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में। और दूसरी बात यह है कि इससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। वे आज स्कूल में अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेंगे तो वो कहीं पर भी, जब स्कूल से बाहर निकलेंगे स्कूल, तब वे कहीं पर भी जाकर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे इनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है और साथ ही साथ ये स्वयं भी अनुशासित होते हैं। मैम से हमें जानकारी मिली कि विद्यार्थी एक अपनी नींव को बनाने के लिए और विद्यालय को अनुशासित तरीके से चलाने के लिए इस संगठन का निर्माण होता है। यह शासन का बहुत ही अच्छा नियम है जिसके तहत हमारे विद्यार्थी, अब मैं हमारे शालानायक से बात करूंगा कि यहाँ पे जो शालानायक है दीपक साहू जी, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि वे क्या जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे इस शासन में। आप विद्यालय के शालानायक बनाए गए हैं, तो आप विद्यार्थी के प्रति क्या जिम्मेदारी उठाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी, मैं सबको अनुशासन में रखना चाहूँगा जितने भी विद्यार्थी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अनुशासन के साथ ही आती है। उसमें अनुशासन के साथ ही हम विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय बना सकेंगे। तो मैं सबसे पहले फिर सभी विद्यार्थी को अनुशासन में तथा हमारे जितने भी स्कूल में जो भी सामग्री आती है उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगा। तो हमें पता चला दीपक जी से कि इनके माध्यम से अनुशासन को बनाया जाएगा, और अब मैं छात्र प्रमुख से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानकारी लूंगा। चंचल जी है यहाँ पे, चंचल जी है, और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चंचल जी, आप छात्र प्रमुख बनाई गई हैं, तो छात्राओं के लिए आप क्या कोशिश करेंगे कि उनको आप मैनेज कर सके? अनुशासित तो दीपक जी के ओर से भी था, तो आप नए क्या करेंगे विद्यालय के लिए? नवाचारी गतिविधियों को शासन आगे बढ़ा रहा है, तो आप नवाचारी गतिविधियों में कैसा सहयोग प्रदान करेंगे विद्यालय को? सभी ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयास जी। धन्यवाद, मैं वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के साथ आप सभी को विदा देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।